खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिल्ली में कश्मीर, जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कल शाम कई जगह बर्फबारी यानी ओलों से सफेद चादर बिछ गई, जिसकी ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कुछ इस तरीके की दिख रही थी दिल्ली एनसीआर कल, जब बारिश के साथ ओलों की बरसात से अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और मौसम का मिजाज बेहद सर्द हो गया। ये देखिए तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की, ग्रेटर नोएडा की और फरीदाबाद की। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बरसात तो हुई ही, सर्दी का मौसम था और उसके साथ ओलों की बरसात ने मौसम को और भी सर्द कर दिया, बेहद सुहाना कर दिया। देखिए सड़कों पर किस तरीके से लोग ओलों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से कश्मीर में बदल गई कल राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देख रहे हैं आप। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बारिश और ओलों ने गर्म हो रहे मौसम को ठंड में बदल दिया। ओले पड़े तो लोग घरों से जश्न मनाने के लिए बाहर निकल आए। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद की, एनसीआर की ये तस्वीरें, जहां पर कश्मीर जैसे हालात हो गए, इस तरीके से ओलों की बरसात हुई कि ऐसा लग रहा है मानो बर्फ पड़ी हो। देखिए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से, और लोगों में खुशी का माहौल, क्योंकि लोगों ने ऐसा नजारा दिल्ली एनसीआर में इससे पहले देखा नहीं होगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ओलावृष्टि हुई, हेल स्ट्रॉम आया और उसके बाद ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में कश्मीर जैसी तस्वीरें दिखाई देने लगी। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहाँ पर ओलावृष्टि के बाद लोगों ने खूब तस्वीरें खिंचवाई, खूब इंजॉय किया। तेज बारिश के बाद ओलावृष्टि के चलते अब मौसम और ज्यादा सर्द हो गया है और ओले देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बारिश और ओलों से मौसम बेहद ठंडा हो गया है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये फरीदाबाद की, देखिए किस तरीके से लोग हाथों में ओले लिए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। एक अजब नज़ारा देखने को मिला जब इस तरीके की तस्वीर बनाई कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल्ली एनसीआर में बर्फ गिर गई हो। अब आपको गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद ओलों की इतनी तेज बरसात हुई कि खेत हो या सड़क, हर जगह सफेद चादर जम गई। ओलों ने किसानों की सरसों की फसल को हालांकि भारी नुकसान पहुंचाया। ये बेहद दुखद खबर इस बीच भी आ रही है कि जो सरसों की फसल है किसानों की, उसको ओलावृष्टि के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन वहीं लोग जो है वो इस मौसम का खूब लुत्फ उठाते रहे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम में, दिल्ली से सटे गुरुग्राम की तस्वीरें, जहां बारिश के साथ जबरदस्त ओले गिरे, लोग जहां इस मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। किसानों के लिए ये ओलावृष्टि बेहद मुसीबत भरी रही क्योंकि सरसों की खेत को इसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो दिल्ली एनसीआर में कश्मीर जैसी तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए अब आपको दिल्ली से सटे नोएडा लिए आते हैं। ओलों की बरसात ग्रेटर नोएडा में लोगों के लिए जानलेवा बन गई, जब दर्जनों घर ओले और बारिश की भेंट चढ़ गए, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद दुखद तस्वीरें, जहां दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में ओलावृष्टि से लोगों को बेहद खुशी हुई, मौसम सुहाना हुआ, तो कुछ इस तरीके की दुखद और भयानक तस्वीरें भी आई, जहां पर इस तरीके से मकान ढह गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की, जहां पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से ओलों से घर की दीवारों को नुकसान हुआ है, भारी बारिश से घर की दीवारों को नुकसान हुआ है, किस तरीके से मकान ढह गए हैं और 50 से ज्यादा लोग इसके चलते जख्मी हो गए। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है। सौ डेढ़ सौ मकान है। ये मस्जिद भी गिर गई पूरी? ये मस्जिद भी गिर गई। कितने लोग घायल है इसमें? इसमें से चार बच्चे घायल हैं। हवा से जो है बिल्कुल दीवार वगैरह सारी जो है चीज यहाँ से जो है गिर गई। कितने कितने मकान गिरे हैं? तकरीबन यहाँ जो है हमारे अंदाज से 150 से अधिक होंगे। शाम को तकरीबन 7:30 बजे सूचना मिली कि आंधी तूफान में कुछ घर वहाँ गिर गए हैं। सूचना पाके तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची। वहाँ पर लगभग 10 से 12 लोग वहाँ पे घायल हुए थे, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। दिल्ली एनसीआर बना शिमला, बारिश के साथ ओलों की बरसात, ग्रेटर नोएडा में बर्फीली चादर,
ओलों ने गिराए दर्जनों घर। बारिश और ओलों से ठंड का पहरा। देखिए दिल्ली में कश्मीर, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। अब तक आप देख रहे थे किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो ओलावृष्टि हुई उसमें तस्वीर ऐसी बन गई थी कि दिल्ली एनसीआर कश्मीर जैसे दिखने लगी। अब आपको चलिए जम्मू कश्मीर ही लिए चलते हैं, जहां पिछले 24 घंटे में हुई बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। जी हां, जगह जगह हिमस्खलन हो रहा है। ज्वाहर टलन के पास हुए हिमस्खलन में 10 पुलिसकर्मी लापता हो गए। इस वक्त ये एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। तलाश जारी है, आपको हम बता रहे हैं कि हिमस्खलन में 10 पुलिसकर्मी लापता हो गए हैं। ज्वाहर टलन में ऊंचाई वाले इलाकों में कई परिवार फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कई इलाकों में बिजली गुल है और घाटी में हवाई यात्रा भी इसके चलते बाधित हुई है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर, डोडा और राजौरी की, जहां पर बर्फबारी लोगों के लिए भारी मुसीबत लेकर आई है। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं, हवाई यात्रा बाधित हुई है, बिजली गुल है, सड़क पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई है। उसे हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं और उसी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से श्रीनगर, डोडा, राजौरी में भारी बर्फबारी हुई है, जिसका असर लोगों के जनजीवन पर पड़ा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बिजली गुल है, सड़कों पर 2-2 फीट बर्फ जमा है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और आप ये देखिए किस तरीके से बर्फ हटाने की कोशिशें की जा रही। ये कश्मीर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर तस्वीरें बेहद भले ही खूबसूरत दिखाई दे रही हूं, लेकिन लोगों के लिए इस मुसीबत भी लेकर आई है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहां तहां लोग इस भारी बर्फबारी के चलते फंसे हुए हैं, भारी बर्फबारी के चलते लोगों को पीने की पानी की भी समस्या आती है, बिजली भी गुल हो गई है। तो ऐसे में भले ही जो वहां घूमने जाने वाले पर्यटक हैं उनके लिए ये अद्भुत नजारा हो, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हो, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं। गांदरबल जिले के गुंड गांव में 22 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। बर्फबारी के बीच कैसे वो अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहे थे, खुद अपनी आपबीती बता रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ रामवाड़ी खान महला में हैं और यहाँ पर बहुत स्लाइड का खतरा है। यहाँ से सामने आई हुई स्लाइड है, इससे पहले 15 दिन, अभी तो बहुत जो बर्फ पड़ गई उसकी वजह से अभी फिर स्लाइड का खतरा है। यहाँ पर इस वक्त पुलिस चौकी थाने से गुंड से यहाँ पर अफराद पहुंचे जो हमें बचाने के लिए यहाँ आए हैं, हेल्प करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त वो सामने हमारे साथ ये खड़े हैं। तो अभी अभी और कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं आया, खाली एक गुंड थाना पुलिस गुंड आगे पहुंचे। हाँ, इसको आगे शेयर करें और ये आगे 5-6 घर अभी यहाँ आगे और जा रहे हैं। यहाँ 5-6 घर हैं, यहाँ पर सामने बिल्कुल स्लाइड के आगे जो घर हैं उनके पास, यहाँ पर 22 कुंबे रहते हैं, लगभग 22 कुंबों में लगभग 200 के आसपास अफराद हैं। तो इतनी ज्यादा बर्फबारी कश्मीर में हो रही है कि 3 दिन से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। भारी बर्फबारी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है। ये तस्वीरें देखिए किस कदर यहाँ भारी बर्फबारी हुई है, किस कदर इस बर्फ को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में देखिए, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ज्यादा बर्फबारी कश्मीर घाटी में हुई है, जिसके चलते रास्तों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। 3 दिन से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, यानी यातायात इसके चलते बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है, जगह जगह हिमस्खलन हो रहा है। हमारे पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट जो भी इस बर्फानी इलाके में मौजूद हैं उनको अलर्ट रखा गया है। SHOs और जो भी हमारा अमला है, जो भी और जो इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, कोई स्टो क्लियरेंस के रिलेटेड वो अपने काम पे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ सिविल इंतजामिया भी पूरे तरीके से, पुलिस और सिविल इंतजामिया जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरी आपके माध्यम से लोगों से भी ये अपील है कि क्योंकि रोड बहुत स्लिपरी हुए हैं खासकर पहाड़ी इलाकों में, और वो ज़रूर जो ऑड आवर्स हैं अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग के हैं वो अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो भारी बर्फबारी का कश्मीर में जगह जगह असर देखने को मिला है। बर्फबारी ने कश्मीर में यातायात को भी बुरी तरीके से बाधित किया है, जिससे जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। हम बता रहे हैं आपको लगातार कि 3 दिन से वो बंद है। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए।
کشمیر گھاٹی میں اس بار قدرت مانو کچھ زیادہ ہی مہربان ہے اور ایک بار پھر باری برف باری جو ہے پوری کشمیر گھاٹی کو اپنی چپیٹ میں لے چکی ہے۔ کل دیر شام سے ہو رہی برف باری کے چلتے شری نگر کی بات کریں تو یہاں پہ سڑکوں پہ تقریباً ایک فٹ کے قریب برف جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے، جبکہ جو باقی علاقے ہیں، جو دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ 2 فٹ سے لے کے 4 فٹ تک تازہ برف گری ہے۔ اس برف باری کے چلتے جموں شری نگر راشٹریہ راجمارگ بھی یاتایات کے لیے بند ہو گیا ہے۔ آج تیسرے دن بھی سڑک پہ کوئی واہن چل نہیں سکا ہے، جبکہ ہوائی سیوائیں آج دوسرے دن بھی بادھت رہیں گی، اس بات کی پوری سمبھاونا ہے۔ موسم وبھاگ کے انوسار کم سے کم اگلے 24 گھنٹے تک فی الحال موسم میں کوئی سدھار نہیں ہوگا اور پوری کشمیر گھاٹی، جس میں کشمیر گھاٹی کے ساتھ ساتھ جموں شیتر بھی ہے، وہاں پر بھی باری بارش اور برف باری اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ حالانکہ جو ستھانیہ لوگ ہیں وہ اس بات سے خوش رہتے ہیں کہ باری برف باری ہوئی، کیونکہ اس سے آنے والے سمے میں باری ماترا میں جو پانی اور بجلی کی جو سمسیائیں ہوتی ہیں گرمیوں میں وہ نہیں ہوگی، لیکن جس طریقے سے برف باری لگاتار ہو رہی ہے اس کے چلتے لوگوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کل دیر شام سے ہی بجلی گل ہے اور وہاں پہ بجلی کی سمسیائیں ہیں۔ سڑکوں سے جو برف ہٹانے کا کام ہے عام طور پر سری نگر میونسپل کارپوریشن کے لوگ پی ڈبلیو ڈی اور انیہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، لیکن پچھلے 5 دنوں سے صفائی کرمچاری ہڑتال پر ہیں، اس کے چلتے شہر میں برف کو ہٹانے کا کام بھی بادھت ہوا ہے، جس کے چلتے لوگوں کی سمسیائیں اور زیادہ بڑھی ہے۔ حالانکہ کشمیر گھاٹی پہنچے بڑی سنکھیا میں پریٹک اس برف باری سے خوش ہیں اور وہ خوب مزہ لے رہے ہیں اور برف میں ادھر ادھر گھوم بھی رہے ہیں، لیکن ستھانیہ لوگوں کے لیے جو سمسیائیں ہیں وہ ہر دن کے ساتھ ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ موسم وبھاگ نے کہا ہے کہ جنوری کا مہینہ جو تھا وہ کشمیر گھاٹی کے لیے سب سے جو بیگا مہینہ ہے، یعنی سب سے زیادہ پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ بارش اور برف ہوئی ہے، اور فروری کے مہینے میں بھی یہی لگتا ہے کہ جس طریقے کا موسم بنا ہوا ہے آنے والے دنوں میں بھی کافی زیادہ برف اور گرے گی۔ کیمرامین ارشد حسین کے ساتھ آصف قریشی، اے بی پی نیوز شری نگر۔ تو کشمیر گھاٹی میں کس طریقے سے برف باری لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، ہمارے سنواددتا آصف قریشی کی آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ آصف قریشی اب ہمارے ساتھ شری نگر سے لائیو جڑ گئے ہیں تازہ اپڈیٹ کے لیے، موجودہ حالات کیا ہیں یہ بتانے کے لیے۔ آصف اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو یہ جاننا چاہوں گی ابھی کے حالات وہاں کیا ہیں، جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں بیٹھے بیٹھے تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ برف باری ستھانیہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مصیبت لے کر آئی، ابھی کے حالات کیا ہیں؟ ابھی بھی جو ہے دور دراز کے علاقوں کا سمپرک جو ہے باقی ضلع ہیڈ کوارٹر سے کٹا ہوا ہے، جو ہے وہ گھٹنائیں جو ہے چنتا کی ہے۔ تقریباً 200 پریواروں کو رات بھر چلے آپریشن کے بعد سرکشت نکال لیا گیا ہے، لیکن رفیع آباد میں اب بھی 16 پریوار ایسے ہیں جن تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ جواہر ٹنل کے پاس ہوئے ہمسخلن میں پولیس کے 8 اور 2 قیدی جو جن کو پیشی کے لیے جموں لے جایا جا رہا تھا وہ ابھی بھی دبے ہوئے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بھاری ماترا میں برف ہونے کے کارن ابھی بھی وہ اس پولیس پوسٹ تک نہیں پہنچ پائے ہیں جہاں پہ یہ 10 لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ جی آصف بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے۔ تو ابھی کے تازہ حالات کس قدر ہیں وہ بتا رہے تھے آصف قریشی کہ حالات اب بھی بدتر ہیں، حالات اب بھی سامان نہیں ہوئے ہیں اور ابھی تک لوگوں کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دلی اور کشمیر کے بعد، اب بات کرتے ہیں ہماچل پردیش کی، جہاں تازہ برف باری نے پریٹکوں کو جشن منانے کا موقع دے دیا ہے، لیکن اسی برف باری نے سردی بڑھا دی ہے جس سے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے سفید ہوا ہے ہماچل، بہت خوبصورت ایک لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مال روڈ کی تصویریں ہیں ہماچل پردیش میں شملہ میں، مال روڈ کی یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ خوبصورت، جہاں پر سیلانی خاص طور پر گھومنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سفید برف کی چادر سے یہ پورا علاقہ ڈھک چکا ہے اور کس طریقے کا ماحول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماچل میں۔